everyone, welcome back to my channel, Live, Learn and Grow. So, आज नवरात्रि स्पेशल व्रत का स्वाद में मैं सोच रही थी कि ऑलवेज हेल्दी जरूरी नहीं है, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत अनहेल्दी भी चलता है. तो आज मैं बनाऊंगी पकौड़े चाट. So hope you all love this recipe. But before we continue, let me give a quick intro. My name is Monica Jain. In this channel, I will be sharing my transplant journey, travel vlogs, lifestyle videos, cooking and baking videos, and much more. So consider subscribing and don't forget to push the bell icon. Let's do some cooking. So फलहारी पकौड़े चाट के लिए सबसे पहले मैं आलू मैश करूंगी. तो मैंने यहाँ पे 2 medium size boil पोटैटो लिए हैं, इसको मैं मैश कर लूँगी. सो आलू मैश कर लिए हैं मैंने. अब इसमें मैं डालूंगी बॉटल गोर्ड. ये मैंने कद्दूकस कर लिया है लौकी को. आधी लौकी मैंने ली है तो आधी लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है. इसमें ये पूरा मैं डाल दूंगी. अब इसमें डलेगा टमाटर. एक मैंने टमाटर लिया है और 2 हरी मिर्ची ली है. इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है तो ये मैं इसमें डालूंगी. अब इसमें मैं लूंगी कुट्टू का आटा. ये मैंने 1 कप लिया है कुट्टू का आटा. ये पूरा का पूरा इसमें डालूंगी. अब इसको हाथ से मैश कर लेंगे. इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो बॉटल गोर्ड और टोमेटो आपने डाला है उसमें थोड़ा वाटरी टेक्सचर होता है तो अपने आप ये बाइंड कर लेगा सब एक दूसरे को. तो पानी की ज़रूरत नहीं होगी इसमें. और अब मैं इसमें डालूंगी सेंधा नमक स्वाद अनुसार और अच्छे से मैश कर लेंगे. ऐसे तो पानी की जरूरत नहीं है पर अगर आप देख लीजिएगा मैश करते वक्त अगर थोड़ा बहुत पानी की जरूरत हो तो आप ले सकते हैं. बाइंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए जैसे हम घर में पकौड़ियाँ तलते हैं उसी हिसाब से. सो मुझे तो पानी की नीड बिल्कुल भी नहीं हुई. मेरा ऐसे ही पकौड़ी का ये डो अच्छे से बाइंड हो गया. तो अब हम चलते हैं पकौड़ी तलने. सो मैंने एक कढ़ाई में मूंगफली का तेल यानी व्रत का तेल मैंने चढ़ा दिया है अपनी पकौड़ियाँ फ्राई करने के लिए. तो पहले तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे. फुल फ्लेम पे मैंने गैस को रखा है तो काफ़ी हॉट होना चाहिए ऑयल पकौड़ियाँ डालने से पहले. तो पहले हम तेल को गर्म होने देंगे. सो तेल अब अच्छे से गर्म हो गया. अब हम पकौड़ियाँ निकाल लेते हैं. अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे क्योंकि पकौड़ियाँ अंदर से कच्ची नहीं रहनी चाहिए. तो अब पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो गई है. इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं. मेरा तो पकौड़ियाँ तलते हुए खाने का मन कर रहा है तो आप इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं किसी भी चटनी के साथ. पर नहीं, मैं अभी रुकूंगी और इसकी चाट बनाऊंगी ताकि ये बहुत स्पाइसी, टेस्टी एंड डिलीशियस हो. सो हमारा सेकेंड बैच भी पकौड़ी का रेडी है. अब इसको मैं निकाल लेती हूँ. सो एकदम क्रिस्पी पकौड़ियाँ रेडी हैं. अब इसकी चाट बनाते हैं. सो अब चाट बनाते हैं. चाट बनाने के लिए पहले मैं पकौड़ियाँ ले लूँगी. सो चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लूँगी दही. ये मैंने फेट के रखा हुआ है और इसमें मैंने चीनी मिक्स करके रखी हुई है. तो ये मीठा दही फेटा हुआ ये मैं डालूँगी. तो दही डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी धनिया की चटनी. ये मैंने पहले से बना के रखी थी तो अब मैं इसमें धनिया की चटनी डालूंगी 1 टेबलस्पून. ये जितना भी चाट के लिए मैं सामान डाल रही हूँ वो सब ऑप्शनल है. आपको जो मन करे वो डालिए और जो ना मन करे वो नहीं डालिए. अब मैं लूंगी इमली की चटनी. ये भी मैंने पहले से बना के रखी थी, खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये डालूंगी. अब मैं डालूंगी शिमला मिर्च. ये मैंने एकदम महीन फाइनली चॉप करके रखी हुई थी, ये डालूंगी. मैं डालूंगी अनारदाने. और मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मूंगफली पीनट्स. ये मैंने क्रश करके रखा हुआ है. पीनट्स को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था, क्रश कर लिया था तो ये पीनट क्रश किए हुए ये डालूंगी. और अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ती. ये भी मैंने फाइनली चॉप कर ली थी. और ये चाट मसाला, ये नवरात्रि के हिसाब से, व्रत के हिसाब से बना हुआ है. इसमें कुछ नहीं है. मैंने एक चाट मसाला का वीडियो शेयर किया था, सेम वही चाट मसाला है. सो ये मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगी और इसमें सेंधा नमक भी मिक्स्ड है. 1 टेबलस्पून दही और डालूंगी.
सो हो गई हमारी पकौड़ी चाट तैयार। टू वॉच माई अदर वीडियोस यू कैन क्लिक ऑन दीज लिंक। तब तक के लिए एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन एंड स्टे सेफ।